आज हम बनाएंगे ओल्ड कार्डबोर्ड से फोटो फ्रेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक कार्डबोर्ड। इसके बीच के पार्ट को मैंने कट कर लिया है और फिर इसमें टिश्यू पेपर को फेविकोल की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। मैंने उसी साइज़ का दूसरा कार्डबोर्ड लेकर उसमें भी टिश्यू पेपर को पेस्ट कर दिया है और आगे वाले पार्ट को भी इसमें पेस्ट कर दिया है। टिश्यू पेपर से लुक अच्छा आता है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप ऐसे भी इसे कलर कर सकते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद अब मैं इसमें ब्लैक कलर से कलर करूँगी ऐसे, और फिर इसमें ब्रॉन्ज या फिर गोल्डन कलर से हल्का हल्का डस्ट दे दूँगी जिससे कि ये विंटेज लुक दे। ये करने के बाद हम लेंगे थोड़ा सा पाउडर और मोल्डेड क्ले। इससे मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बनाऊंगी। आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो फ्लावर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लावर बनाऊंगी और इसको फिर मैं इसमें पेस्ट कर दूंगी। इस फ्लावर को बनाने का प्रोसेस मैंने आगे दिखाया है। सबसे पहले आपको क्ले को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको ऐसे इसकी पेटल्स आपस में अटैच करते जानी है और फिर इसके बीच में एक छोटा सा राउंड रख देना है आपको, और उसको टूथपिक की सहायता से हम लोग पिन कर देंगे। अब हम इसमें कुछ और डिज़ाइन ऐड करेंगे जिससे कि ये अच्छा लगे। मैं ये सेम डिज़ाइन दोनों साइड बना रही हूँ। आपका मन हो तो आप एक साइड भी बना सकते हैं। मैंने इसमें कुछ लीव्स भी ऐड करी हैं। लीव्स को ऐड करने के बाद हम इसे कलर कर लेंगे रेड कलर ग्रीन कलर से। अब इसे मेटैलिक टच देने के लिए हम इसमें गोल्डन कलर की हल्के से हाथों से डैप करेंगे। और ये देखिए हमारा सुंदर सा फोटो फ्रेम बनकर तैयार है। अब इसमें मैं एक सीनरी लगा दे रही हूँ जो मैंने बनाई थी मम्मी की पिक में, बाद में लगाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।